दिल्ली पुलिस ने जारी की 26 जनवरी को लाल किले में झंडा फहराने वाले शख्स की तस्वीर। जुगराज नाम के आरोपी पर 1,00,000 का इनाम। जुगराज के अलावा दीप सिद्धू समेत दो और आरोपियों पर 1,00,000 के इनाम का ऐलान। सभी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी गैंगस्टर लखा सधाना को लेकर भी बड़ा खुलासा। 26 जनवरी के बाद सिंगू बॉर्डर में ली थी पना। पुलिस के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर ही थे सिधाना की गिरफ्तारी की तैयारी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी हुआ अंडरग्राउंड। पुलिस ने चार और लोगों पर रखा था 50,000 का इनाम। जयबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की तस्वीरें भी जारी। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसाने वाले शख्स इकबाल सिंह पर भी नया खुलासा। हंगामे के दौरान फेसबुक पर लाइव कर रहा था आरोपी। 26 जनवरी की हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी। ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह की अगुवाई में बनी टीम, डीसीपी भी शामिल। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। वीडियो जारी कर किया दावा, किसान नेताओं ने हिंसा के लिए उकसाया। पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के मंच से दिए गए भड़काऊ बयान, आंदोलनकारियों को पुलिस पर हमले का दिया गया निर्देश बंधक बनाने की भी थी साजिश। ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। संसद की कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति बनी। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा जारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही चर्चा 14.5 घंटे का समय रखा गया। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने की कृषि कानून वापस लेने की मांग। गुलाम नबी आजाद बोले, कानूनों से लड़ाई ठीक नहीं। राज्यसभा में 3 दिनों तक नहीं होगा प्रश्नकाल, कल और परसों नहीं होगा शून्यकाल। हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों पर गिरी गाज, दिन भर के लिए कार्रवाई से बाहर। तीनों बॉर्डर पर कटीले तार और नुकीले बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दी सफाई, कहा सुरक्षा घेरा मजबूत करना है मकसद। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के नुकीले रॉड, सीमेंट से सड़क पर जाम की गई कील। सिंगू बॉर्डर पर उपद्रवियों का रास्ता रोके जाने की जोरदार तैयारी। 2 किलोमीटर तक क्रेन से सड़क पर रखे जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कटीले तारों के साथ कांटेदार बाड़ों से रोके जाएगा उपद्रवियों का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।